ऐसा कोई सजदा कर दे, मेरी किस्मत में भी ऐसा कोई सजदा कर दे जो मेरे सारे गुनाहों का मदावा कर दे, सारी दुनिया से छुड़ा कर मुझे अपना कर दे, मेरी मिट्टी को खुदाया सोना कर दे। मैं तेरी चाहने वाली हूँ मगर है हसरत, मैं तेरी चाहने वाली हूँ मगर है हसरत, जिसको तू चाहता है मुझको वैसा कर दे। एक नज़र अपने गुनाहगार पे करके मौला, एक नज़र अपने गुनाहगार पे करके मौला, अपनी रहमत का हकदार हमेशा कर दे। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा। मैं हूँ माहाली। आप सबका रहमत रमजान में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं हम लोगों को दुआओं में जरूर याद रख रहे होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और वीकेंड पे हमें मिस कर रहे होंगे तो हम आज आ गए हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम दिन ब दिन कम होते जा रहे, तो सुगैना नहीं है आज हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। कल भी उसका एग्जाम है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा कि किस किस को सुगैना कभी महसूस हो। हमें जरूर बताते रहिएगा, कभी आप ये ना समझे कि वो बिल्कुल ही चली गई है, हमेशा के लिए चली गई है, ऐसा कुछ नहीं है। आ जाएगी वो भी, एक प्रोग्राम में नहीं आई है, फिर इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में आएगी, जरूर आएगी। और आप लोग जरूर बताते रहेंगे अगर लाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं किस किस को सुगैना कभी महसूस हो। एनीवेज, आज का सेगमेंट हमारा क्या है? आज का सेगमेंट तो कुछ हमने ऐसा कोई खास हमने सेगमेंट नहीं किया आज का, बस हम ऐसी बस आज का हम रेसिपी पे ज्यादा फोकस किया। हाँ, आप लोगों से ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि सोशल मीडिया ने जहाँ इतने फासलों को इतना करीब कर दिया, इतने फासले सिमट कर आ गए, उसी उसमें हम लोग उससे कुछ चीजों से बहुत दूर होते जा रहे हैं कि सोशल मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, क्योंकि फायदे हर चीज का देखे, पॉजिटिव और नेगेटिव है, हर चीज के फायदे भी है और नुकसान भी है। ये हम पर है कि हम उसको किस तरह लेते हैं, कि अगर हम फायदे के तौर पे, आप जैसे फायदे के तौर पे ये ना, हम लोग इसमें कुरान भी पढ़ लेते हैं, मोबाइल और टैब हुआ, कंप्यूटर भी हुआ, नॉलेज जनरल नॉलेज भी हम देख लेते हैं, बुक्स वगैरह अगर हमें कुछ जो कोई ये जो होती है प्रेजेंटेशन वगैरह हमें जो ढूंढनी पड़ती थी इसमें, हाँ वो हम इसमें देख लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं इस हिसाब से, तो ये सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा हमें बहुत ज्यादा नॉलेज दी है और अच्छा है हमारे लिए। लेकिन जो डिसएडवांटेज पाएंगे ना आप, वो डिसएडवांटेज पे ये है कि हमने जो ये क्या कहते हैं ड्रामा, बच्चे जो एग्जाम वगैरह देते हैं वो अब भूल गए, सारी चीजों को भूल गए, पढ़ाई वगैरह बिल्कुल छोड़ दी, छोटे से छोटे के और सबके पास ये होता है टैबलेट्स, टैब मोबाइल वगैरह होते हैं और वो पढ़ाई को परामोश कर देते हैं, पबजी वगैरह ये जो गेम्स वगैरह आ गए। और हाँ ये है कि जैसे अब सोशल मीडिया का फायदा ये है कि जैसे पहले इतने दिन में वो खत पहुंचता था, हम लिखते थे कोई खैर खबर, वो सारी अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को, अपने घर वालों को, अपने बहन भाई माँ बाप सबको, शोहर को, तो अब ये है कि हमें फौरन से वो शक्ल भी नजर आ जाती, तस्वीर नजर आ जाती, पहले आवाज आती थी, पहले आवाज आती थी, आप बैठे बैठे कर सकते हैं, हर टाइम देख सकते हैं, कि आप ये नहीं होता कि दिल को एक तसल्ली हो जाती है कि मूवी जो वीडियो है उसमें देखकर आपको तसल्ली हो जाती है। अल्लाह ताला और उनको हम लोगों को सबको सारे जितने भी दुनिया में मुसलमान और सबसे बड़े इंसान, उन सबको अल्लाह ताला इस वबा से जल्द अज जल्द निकाल दे, इससे महफूज रखिए बस। और आप लोग घर में रहिए, जब बहुत ज्यादा हो तो बाहर जाए प्लीज। ईद आई है, ईद आती रहेगी, इंशाल्लाह आएगी बहुत, हम सारी बहुत सारी ईदें देखेंगे, लेकिन अभी जो हमारे पर जो वक्त है ना, जो ये हम जिस उससे गुजर रहे हैं, दैनी अजियत से गुजर रहे हैं, कि हर वक्त खबरों में देख रहे होते हैं कि ये कोविड से बचने के लिए उस मुल्क में ज्यादा फैल रहा है, ये इंडिया में ज्यादा हो रहा है कि पाकिस्तान, तो उससे आप जरा थोड़ा सा प्लीज घरों में रहें, अपने कपड़े हमारे फिर भी बन जाएंगे, ऑनलाइन मंगा सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाजारों में एहतियात करें जाने से आप, क्योंकि बाजार में इतना रश हो जाता है स्पेशली चांद का, एक ईद पर अगर आप उस तरीके से नहीं मनाएंगे, ईद पे चलो हाँ चलो नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन हमारी बहुत जरूरी है, प्रोटेक्शन हमें अपनी करनी चाहिए और अपने साथ साथ अपने से वाबस्ता तमाम लोगों की, अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदार, अपने मास्क का, हाँ एसओपीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और ईद पे भी क्या कहते हैं, बस सोशल मीडिया का तो यही है कि आप लोग प्लीज उसको मिस यूज ना करें, हर चीज का मिस यूज ना करें। और आप लोग हमें ये भी बताएं कि आप लोग, वैसे तो हमारे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोगों को फ्राइडे की रेसिपी कैसी लगी हमारी समोसों की, और आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, सुकैना का डायलॉग।
Audio Jungle.